हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद पनारा एंड टुडे वी डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर हीट इंजिन ऑफ बीएमई सब्जेक्ट, दैट इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो एग्जाम्पल नंबर वन, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटो साइकिल। सो इन ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 8, कंप्रेशन रेशियो इज गिवन। द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन एंड एट द एंड ऑफ हीट सप्लाई आर 310 केल्विन एंड 1600 केल्विन रिस्पेक्टिवली। एज्यूम गामा इज इक्वल टू 1.4 एंड सीवी इज इक्वल टू 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन। फाइंड आउट हीट सप्लाई एंड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटो साइकिल। इन दिस एग्जाम्पल देर इज गिवन R इज इक्वल टू 8। R मीन्स कंप्रेशन रेशियो। सो कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 8। देन टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 310 केल्विन एंड T3 इज इक्वल टू 1600 केल्विन। व्हाट डू मीन बाय T1? मिनिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल और टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। व्हाट डू मीन बाय T3? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल और टेम्परेचर एट द एंड ऑफ हीट सप्लाई। सो दैट इज T1 एंड T3। एंड गामा इज इक्वल टू 1.4, सीवी इज इक्वल टू 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन। सो फर्स्ट स्टेप, प्रोसेस 1-2 इज एडियाबेटिक प्रोसेस, वी नो दैट। सो T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1 and V1 by V2 that is R. So R raised to gamma minus 1. So here T2 is equal to T1 into R raised to gamma minus 1. By putting value of T1 and R, we get T2 is equal to 712.2 Kelvin. Then second step, heat supply. So it is denoted by QS and heat supply during 2-3 process. So QS is equal to M CV T3 minus T2. Why CV? Because 2-3 is constant volume process. So heat supply in auto cycle is during constant volume process. So QS is equal to M CV T3 minus T2. So CV 0.717, T3 1600 minus T2 712.2 and value is 636.6 kilojoule per kg. So this is about heat supply. Per kg means mass 1 kg. Okay. Now third, efficiency of cycle, that is eta is equal to 1 minus 1 divided by R raised to gamma minus 1. By putting value of R and gamma, we get efficiency of auto cycle, that is 0.5647 or it is 56.47%. So this is about example number 1 of auto cycle. Now example number 2, that is also example of auto cycle. So determine the compression ratio, cycle efficiency and ratio of maximum to minimum pressure in an air standard auto cycle from following data. So this is example of auto cycle. First, minimum temperature. Minimum temperature of auto cycle, that is denoted by T1, that is 20 degree Celsius. Second, maximum temperature 1500 degree Celsius. Maximum temperature is denoted by T3. Then heat supply per kg of air 900 kilojoule and gamma is equal to 1.4, CV is equal to 0.718 kilojoule per kg Kelvin. So in this example, there is given QS 900 kilojoule, T1
20 डिग्री सेल्सियस एंड T3 1500 डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एग्जाम्पल दैट इज T2 बाई T1 इज इक्वल टू R⁻²-1, बट हियर वी डोंट नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड T2 बाय सेकंड स्टेप. सो QS इज इक्वल टू MCV T3 माइनस T2, पुटिंग वैल्यू ऑफ QS M दैट इज 1 kg, CV T3, एंड वी हैव टू फाइंड T2 इज 519.52 केल्विन. नाउ दिस वैल्यू ऑफ T2 पुट इन अबो स्टेप, सो वी गेट वैल्यू ऑफ R दैट इज कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 7. देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम प्रेशर इट इज डिनोटेड बाय P3 बाय P1, एंड इफ वी स्प्लिट दिस इनटू टू पार्ट देन P3 बाय P2 इनटू P2 बाय P1. सो P3 बाय P2 इज इक्वल टू T3 बाय T2 बिकॉज 2-3 प्रोसेस इन ऑटो साइकिल इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. सो P3 बाय P2 इज इक्वल टू T3 बाय T2 इनटू P2 बाय P1 इज इक्वल टू R⁻², बिकॉज वी नो द फॉर्मूला T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेस टू गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू R⁻²-1. सो वी हैव टू फाइंड आउट P2 बाई P1 इज इक्वल टू R⁻². नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ T3, T2, R एंड गामा वी गेट 51.98. दिस इज वैल्यू ऑफ P3 बाई P1. रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम प्रेशर इज इक्वल टू 51.98. देन एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इटा इज इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाय R⁻²-1. बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एंड गामा वी गेट 0.5408 और 54.08%. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटो साइकिल. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डीजल साइकिल. सो इन डीजल साइकिल कंप्रेशन रेशियो 16, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इज 1 bar and 20 degree Celsius, द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 1431 degree Celsius. कैलक्यूलेट द एफिशियंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ साइकिल. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डीजल साइकिल. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू कैलक्यूलेट एफिशियंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर. सो इन दिस एग्जाम्पल कंप्रेशन रेशियो इज 16, टेम्परेचर T1 20 degree Celsius, टेम्परेचर T3 1431 degree Celsius, T1 मिनिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल, T3 मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल, देन प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1 bar. सो फर्स्ट स्टेप दैट इज T2 इज इक्वल टू T1 R⁻²-1. सो T2 इज इक्वल टू 888.2 केल्विन. देन सेकंड स्टेप, रो इज इक्वल टू T3 बाई T2. व्हाट डू यू मीन बाय रो? कट ऑफ रेशियो. सो रो इज इक्वल टू T3 बाई T2, एंड बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ T3 एंड T2 वी गेट 1.9185. देन थर्ड स्टेप, एफिशियंसी ऑफ साइकिल इटा इज इक्वल टू 1 - 1 / R⁻²-1, इन ब्रैकेट रो रेस टू गामा माइनस 1 / γ ρ - 1. व्हाट डू मीन बाय आर? कंप्रेशन रेशियो, रो कट ऑफ रेशियो. सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर, रो एंड गामा वी गेट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.618 और 61.8%. देन वर्क डन W इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई. सो एफिशिएंसी इनटू एम
सीपी टी थ्री माइनस टी टू. सो हीट सप्लाई इन डीजल साइकिल इज एम सीपी टी थ्री माइनस टी टू. हियर मास 1 kg. सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी सीपी टी थ्री टी टू वी गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू 506.685 किलो जूल पर केजी. देन वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम वी वन बाय कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन. सो पी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन. सो वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन डिवाइड बाय प्रेशर पी वन बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर टी वन एंड पी वन मास 1 kg. सो वॉल्यूम वी वन इज इक्वल टू 0.8409 मीटर क्यूब पर केजी. देन वी नो दैट कंप्रेशन रेशियो आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू. सो वी टू इज इक्वल टू वी वन बाय आर. पुटिंग वैल्यू ऑफ वी वन एंड आर वी गेट वी टू इज इक्वल टू 0.05256 मीटर क्यूब पर केजी. देन मीन इफेक्टिव प्रेशर पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एस. सो डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एस दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड विच इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू. सो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू वी वन एंड वी टू वी गेट पी एम इज इक्वल टू 642.7 किलो पास्कल. सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड आउट एफिशियंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ साइकिल. सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू फाइंड आउट. सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस थ्री एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल ऑफ ऑटो साइकिल एंड वन एग्जाम्पल ऑफ डीजल साइकिल. ओके, थैंक यू.